बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अफजल आपको स्टूडियो वेलकम करता हूँ। स्टूडियो में बात करेंगे कांस्टेबल जॉब्स इन बलोचिस्तान पुलिस अप्रैल 2023 के बारे में, कैसे इसमें अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है और काम करने की जगह क्या होगी। एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहे, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। पोजीशंस वाजह है, 340 कांस्टेबल सातवें स्केल के चाहिए। इसमें लेडी कांस्टेबल भी हैं और इसमें मेल कांस्टेबल भी जो है वो रिक्वायर्ड हैं बलोचिस्तान के लिए। बलोचिस्तान पुलिस की कांस्टेबल्स की यह जॉब है। काम करने की जगह बलोचिस्तान, ओवरऑल पूरे बलोचिस्तान में कहीं भी ड्यूटी लग सकती है। 8 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। अप्लाई इसमें डाक के थ्रू करना है। जो लिंक नज़र आ रहा है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है, क्या तरीका कर, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे साथ जुड़े वीडियो को एंड तक लाजमी देखें जी। तो सिंध पुलिस में जो जॉब्स आई हैं ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, सॉरी बलोचिस्तान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट लाजा करें, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है और क्या इसका तरीकाकार है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं और एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के सामने है। बलोचिस्तान पुलिस में कांस्टेबल सातवें स्केल की सामियाँ खाली हैं। 5% खवातीन का कोटा, 5% अकलियती कोटा जो है वो मौजूद है। खवातीन कोटा की बात करें तो जो है कोटा 77 सीटें हैं। किला सैफुल्ला 6, सिब्बी की 3, नसीराबाद की 3, जाफराबाद की 1 और जलमैक्सी की 2 सीटें हैं। अकलीती कोटे की बात करें, कोटे की 146 हैं, कलाद की 7 हैं, इसी तरह ये बाकी जो हैं वो ग्वादर की 5 हैं, ये किला सैफुल्ला की 1 है, पंजगौर की 2 हैं, स्वाब की 2 हैं, शरानी की 1 है, किला अब्दुल्ला की 5 हैं, सिब्बी की 2 हैं, नसीराबाद की 3 हैं और ये इसी तरह जो ये सारी पोस्टें जो हैं वो मौजूद हैं ज़िले के हिसाब से। जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग इसको देख लें। कांस्टेबल सातवें स्केल की बात, तलीम की बात करें तो कम अज़ कम मैट्रिक चाहिए। कद की बात करें 5 फुट 5 छाती चाहिए, 33x34 की चेस्ट चाहिए, ठीक है। उम्र जो है वो 18 से 28 साल तक होनी चाहिए। आखिरी तारीख तक जमा करवाना, जब फॉर्म जमा करवाना 28 साल तक उम्र होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दी जाएगी। 28 साल से ऊपर के लोग इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते, ये आपने जेहन में रखना है, ठीक है। और अच्छा, इसके अलावा ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया कि जो अगर वो कहते हैं कि जो मतलब कि एज रिलैक्सेशन का एक्ट है उस पे अमल किया जाए तो वो जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है कि बलोचिस्तान फोर्स के ऊपर जो है वो ये एक्ट अमल नहीं होता, यूनिफॉर्म फोर्सेस पे लागू नहीं होती ये जो एज रिलैक्सेशन वाली शिक है वो, ठीक है, ये जहन में रखना है। फिज़िकल टेस्ट होगा आपका, जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, तरीरी इम्तिहान होगा, सारा कुछ पास करने के बाद मेरिट पर जॉब होगी। 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होगी। खवातीन की बात कर लें तो कम अज़ कम मैट्रिक 5 फुट कद होना चाहिए, 18 से 30 साल तक उम्र होनी चाहिए और इसमें भी एज रिलैक्सेशन कोई नहीं है, 30 साल तक जो है वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं और फिज़िकल फिट हो। इनकी जो दौड़ है वो 1 किलोमीटर 7 मिनट में इन्होंने भी पूरी करनी है, ठीक है। और इसमें इन्होंने टाइम कम नहीं किया, इन्होंने किलोमीटर्स कम कर दिए। यहाँ पर 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में करने हैं मेल ने और जो फीमेल है उन्होंने 1 किलोमीटर 7 मिनट में पूरी करनी है। दरख्वास्तें जो है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कैसे आपने डाउनलोड करनी है। 300 रुपये नाकाबले वापसी जो है वो फिज़िकल टेस्ट के लिए जब आपने जाना तो वो आपने जमा करवाने हैं, वो आपने जेहन में रखना है, 300 रुपये साल लेके जाना। तस्दीकशुदा अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सारे आपने साल लगाने हैं। नामुकम्मल और मुकर्रर तरीके के बाद दरख्वास्त जो वसूल होगी वो काबिल कबूल नहीं होगी। 8 मई 2023 की लास्ट डेट है, उससे पहले पहले इसको जमा करवा देना। टेस्ट इंटरव्यू को जाने के लिए किसी को वो TDA वो नहीं देंगे और महकमा ये राइट रखता है किसी भी सीट को वो कम ज़्यादा कर सकता है। IG पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बाय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलोचिस्तान कोटा, उनके जैसा ये जॉब है। अभी चलते हैं वेबसाइट की तरफ और वेबसाइट आप लोगों के सामने, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान जो है उनका ये मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या IG मतलब जिसको बोलते हैं ये, उसका मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है बलोचिस्तान पुलिस की, ठीक है, बलोचिस्तान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अंदर जो है वो कंप्लीट सारी डिटेल मेंशन है और हमें जो है करियर में जाना तो हम यहाँ से सिंपल इसमें करियर में चल जाएंगे। ये इस तरह का करियर का पेज ओपन हो जाएगा तो करियर के पेज में आपने आके तो ये रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिटर जूनियर क्लर्क जहाँ बलोचिस्तान पुलिस, इसमें अगर आप अगर ये जो इसका फॉर्म डाउनलोड करना है इसका कर सकते हैं। और ये जो है वो कांस्टेबल की है तो हम अगर कांस्टेबल का करना चाहें तो कांस्टेबल का कर सकते हैं। तो इस तरह आपको जो चाहिए आपने उसको, ये कांस्टेबल की एडवर्टाइजमेंट थी और ये भी जो है वो ये जूनियर क्लर्क फोटोग्राफी, ये जो और जो ऑप्शन को यही है ये उनकी है, तो इस ये भी आप देख सकते हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर जो है यहीं से आपको जो है वो फॉर्म डाउनलोड आपको मिल जाएगा। यहाँ ये सॉरी ये देखें, ये एप्लीकेशन फॉर्म है सातवें स्केल का, तो ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको फॉर्म मिल गया, दरख्वास्त ब्राय भर्ती कांस्टेबल बलोचिस्तान।
और इसमें जो है आपने ये फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। यहाँ पे तस्वीर लगानी है, फॉर्म नंबर आपने नहीं लगाना, ये वो लगा के देंगे। यहाँ पे आपका नाम CNSE, वालिद नेम फादर का CNSE, सारी डिटेल आ जाएगी, फ़ोन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपने अपना कद वगैरह अपना जो है वो सारा कुछ अपना इससे अच्छा ये सॉरी ये आपने फिल नहीं करना, ये जब आपका फिज़िकल होगा उसमें वो फिल करेंगे तो इसको आपने छोड़ देना, इसको आपने फिल नहीं करना। ये आपको जो है वो मतलब कि रसीद में हम वापस करेंगे जो आप 300 रुपये जमा करवाएंगे तो उसके बाद। तो ये आपने जहन में रखना है, डायरी नंबर शंबर लगवा लेना है, ये फॉर्म आपने डाउनलोड करना है। बस इतनी सी ये इस जॉब के वाले से इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करिएगा ताकि हर लेटेस्ट जॉब की अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें भाई, को दुआ में याद रखें, खुदा हाफिज़।